हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आपके पास विंडोज़ पीसी में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ये एरर आ रहा है तो आप इजीली इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए और इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आप ये प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है पावर शेल, ओके। उसके बाद आपको इसको राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर देना है, ओके। उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यहाँ पर ऑटोमेटिक ओपन हो गया है। अभी मैं इसको यहाँ पर से क्लोज कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर पावर शेल को भी क्लोज कर देना है। स्टेप नंबर 2, आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में विंडोज़ स्टोर ऐप्स, तो आपको यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहां पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके गाइस, उसके बाद आपको यहां पर इस सेटिंग को क्लोज कर देना है। फिर आपको यहां पर ऑल सेटिंग्स को क्लोज कर देना है। स्टेप नंबर 3, आपको विंडोज के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज, ओके। उसके बाद आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है विंडोज़ अपडेट। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज़ अपडेट, इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर स्टार्टअप टाइप में ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर 4, आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर देना है। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप ई प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की से फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। फिर आपको सी ड्राइव ओपन करना है, उसके बाद विंडोज़ फोल्डर ओपन करना है। उसके बाद आपको यहां पर फाइंड आउट करना है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर, आप इसको ओपन कीजिए। उसके बाद यहां पर जितने भी फाइल्स दिख रहे हैं तो आप इनको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहां पर से डिलीट के ऊपर क्लिक कीजिए। इस तरीके से यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर ये सारे फाइल्स को आप डिलीट कीजिए। उसके बाद आप फाइल एक्सप्लोरर को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर 5, आपको विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर सेटिंग पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऐप्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ऐप्स एंड फीचर पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है स्टोर। आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। फिर आप जो है यहाँ पर रिसेट के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर से रिसेट के ऊपर क्लिक कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर रिसेट हो जाएगा। ओके गाइस, तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर रिसेट हो गया है। आप इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।